जेसन मुझे मत मारना। जेसन रॉड को मारने वाला था, तभी रॉड जेसन को फ्रीज कर देता है। ये देख के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। मॉन्स्टर्स रॉड को मारने लगते हैं। रॉड मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर दो। रॉड दोनों मॉन्स्टर्स को भी फ्रीज कर देता है। रॉड जल्दी से हमारी रस्सियाँ खोल दो। रॉड चीनू टीनू केविन और बाबा की रस्सियाँ खोल देता है। जेसन की दुनिया में मेरी पावर्स काम नहीं कर रही, हमें जल्द से जल्द वापस हमारी दुनिया में जाना होगा। लेकिन बाबा, हम वापस हमारी दुनिया में कैसे जाएंगे? हाँ बाबा, हमें वापस हमारी दुनिया तक पहुँचने का रास्ता तो पता ही नहीं है। हमारी दुनिया तक पहुँचने का रास्ता यही कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं। रॉड चीनू टीनू और बाबा अपनी दुनिया तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगे। बाबा ये देखो, यहाँ पर एक रास्ता है, ये जरूर हमारी दुनिया तक जाने का रास्ता होगा, चलो जल्दी इसमें कूद जाओ। जेसन और मॉन्स्टर्स बर्फ तोड़ के बाहर आ जाते हैं। मैं अंदर कूद रहा हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ। रॉड चीनू टीनू और बाबा केविन को लेकर कुएं में कूद जाते हैं। जल्दी चलो, हमें उन लोगों का पीछा करना होगा। जेसन और मॉन्स्टर्स भी उस कुएं में कूद जाते हैं। रॉड चीनू टीनू और बाबा वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हम वापस हमारी दुनिया में आ गए। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हा। नहीं रॉड, अब तो हम जेसन को मारने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तभी जेसन और मॉन्स्टर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग सुरक्षा कवच से बाहर मत निकलना। बाबा की धड़कनें रुक चुकी है, बाबा मर गया। क्या बाबा मर गए? तुम्हारे बाबा को तो मैंने मार दिया, अब तुम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचोगे। बाबा प्लीज हमें बचाओ। बाबा, क्या हुआ? तुम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हो? जेसन तुम्हारे पीछे देखो। बाबा मॉन्स्टर्स और जेसन को जलाकर मार देते हैं। बाबा अपनी पावर से केविन को ठीक कर देते हैं। फिर वो लोग ट्रक में बैठकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।